विराट कोहली ने बाबर को दी बधाई तो रिजवान को लगाया गले। ऐतिहासिक तस्वीरों पर पाकिस्तान बोर्ड ने कही बड़ी बात। टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेट से हार गया है। सुपर 12 स्टेज के पहले ही मुकाबले में पाकिस्तान ने भारतीय टीम को बुरी तरह हरा दिया है। पाकिस्तान ने रविवार को दुबई में खेले गए मैच में पहली बार ICC वर्ल्ड कप में भारत को हराया है। मैच खत्म होने के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में बातचीत करते हुए नजर आए, जिसकी लोगों ने काफी तारीफ भी की। दोनों टीमों ने खेल भावना को प्रोत्साहित किया। पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने अकेले दम पर ही भारत को हरा दिया। दो ओपनर बल्लेबाजों ने 152 रन के लक्ष्य का पीछा किया। भारत ने पाकिस्तान को 152 रनों का टारगेट दिया था, जो पाकिस्तान ने बिना किसी विकेट गवाए पार कर लिया। मैच खत्म होने पर भारतीय कप्तान विराट कोहली ने दोनों को बधाई दी, साथ ही मोहम्मद रिजवान को गले भी लगाया। विराट कोहली के इस अंदाज की हर कोई तारीफ कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी विराट कोहली की तारीफ करते हुए ये तस्वीर साझा की है और लिखा है, ये ही स्पिरिट ऑफ क्रिकेट है। मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तान टीम के सीनियर खिलाड़ी शोएब मलिक ने भारतीय टीम के मेंटर MS धोनी से बातचीत की। दोनों लंबे वक्त तक बातचीत करते रहे, इसका वीडियो ICC ने भी जारी किया है। इस दौरान पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम ने भी MS धोनी से मुलाकात की और हाथ मिलाया। दिग्गज खिलाड़ियों का ये स्वभाव उन लोगों के मुंह पर जोर का तमाचा है, जो दो देशों में धर्म विशेष को लेकर दिन रात जहर घोलने का काम करते हैं और नफरत को बढ़ावा देते हैं। विराट कोहली और MS धोनी जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने ये दिखा दिया कि मोहब्बत से बढ़कर कोई स्वभाव नहीं होता। खेल स्पिरिट इसी का नाम है कि जिसने अच्छा प्रदर्शन किया उसे बधाई दी जाए, न कि उन्हें हुटिंग कर करके चिढ़ाया जाए। भारतीय टीम ने भले ही ये ऐतिहासिक जीत हासिल नहीं की, लेकिन उन्होंने दुनिया भर के लोगों का दिल जरूर जीत लिया है। इसी के चलते कैप्टन विराट कोहली और धोनी के इस रवैये की दुनिया भर में जमकर तारीफ हो रही है, तो वहीं नफरती विचारधारा के लोगों को मुंह की खानी पड़ रही है। भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान, जो अक्सर सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों को जवाब देते नजर आते हैं, लिखते हैं, यही है खेल की असल स्पिरिट, यही है ह्यूमन स्पिरिट। दिग्गज ध्रुव राठी विराट कोहली की पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए तस्वीर पर लिखते हैं, यही है सच्चाई और सच्चे खेल की स्पिरिट। मशहूर सोशल एक्टिविस्ट अवि डांडिया धर्म के नाम पर बांटने वालों पर तंज कसते हुए कहते हैं, टी20 विश्व कप की यही सच्चाई है। अंधभक्त इन तस्वीरों को देखकर विराट कोहली को कहीं देशद्रोही न करार दे, इस जाहिल जमात का कोई भरोसा नहीं। एक और यूजर विराट कोहली रिजवान को गले लगाते हुई तस्वीर पर कमेंट करते हुए लिखते हैं, ऐतिहासिक और खूबसूरत पल। एक और यूजर ने तस्वीरों को साझा करते हुए लिखा, खूबसूरत पल, नफरत को ना बढ़ाए बल्कि मोहब्बत को बढ़ाए। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान की टीम ने किसी भी वर्ल्ड कप में भारत को हराया हो। टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच 6 मैच हुए हैं, अब पाकिस्तान ने एक जीता है। पहले के 5 भारत ने ही जीते थे। भारत को बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जोड़ी ने ही मात दे दी। दोनों ने शानदार बल्लेबाजी की। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें, ताकि खेल जगत से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।